दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत दूसरा T20 मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे T20 मैच का बदला समय, टॉस के बाद शुरू हुआ रोमांचक मुकाबला। रोहित शर्मा ने चुनी पहले बल्लेबाजी, आखिर भारत ने बना दिए कितने रन, कौन बल्लेबाज पहुंच गया शतक के करीब, रिंकू सिंह की पारी तो देखे बिना आप भी कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। और प्लेइंग 11 टीम के साथ आपको पूरा मैच यहां लाइव दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान में से दूसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो T20 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आता है। और अब भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहाँ यह मैदान पहले से ही बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। इस बीच भारतीय बल्लेबाज यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके स्कोर को 200 रन के पार भी पहुंचा सकते हैं बड़ी आसानी से, और वही करने का सपना भारतीय बल्लेबाज संजो रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल मिलाकर 6 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन यहाँ 6 में से 5 मुकाबले भारत की टीम ने जीते हैं और एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था, जहाँ अफगानिस्तान की टीम आज तक भारत के खिलाफ एक भी T20 मुकाबला जीतने में कामयाब हुई नहीं है और अभी भी यही आंकड़े को बरकरार रखते हुए भारतीय टीम आगे बढ़ना चाहेगी। वहीं हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम जातरान अफगानिस्तान टीम के लिए कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी टीम को जिताने का सपना लेकर यहां आए हैं, लेकिन यहां पर उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए रोहित शर्मा पूरी तरह से नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों आप सभी यह मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर स्पोर्ट्स 18 पर देख पाओगे, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में इस मुकाबले का आनंद उठा पाओगे। वहीं बात की जाए अगर मौसम विभाग द्वारा जारी जानकारी के बारे में तो दोस्तों मौसम विभाग ने जताया है कि यहां इंदौर के होलकर मैदान पर मैच के दौरान घना कोहरा रहने की संभावना है, जिसके चलते विजिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी और मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोका जरूर जा सकेगा, लेकिन बारिश होने का कोई आसार है नहीं, जिसके चलते आप सभी को पूरा मुकाबला खेला जाता हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच ये नजर आ रहा है। वहीं अगर भारत की बल्लेबाजी की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय टीम इंडिया का सबसे सही निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में चल रहे हैं और वो यहां अगर शतक जड़ देते हैं तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा भी उनका साथ निभाएंगे और यहां भारतीय टीम के स्कोर को आसानी से 200 रन के पार पहुंचाया जा सकता है। और पिछले मुकाबले में जिस तरह से शिवम दुबे, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी की थी, वहां से तो ऐसा लगता है कि भारत की टीम को हराना इस बार मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और दोस्तों प्लेइंग 11 टीम बताएं आपको, यहां प्लेइंग 11 टीम में भी कप्तान रोहित शर्मा ने कई बड़े बदलाव कर डाले हैं, जहां उन्होंने यशस्वी जायसवाल की वापसी करवाई है। जी हां दोस्तों, यहां भारत की प्लेइंग 11 टीम कुछ इस प्रकार से इस बार निकल कर आती है, जहां कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में शुभमन गिल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह को मौका मिला है और ऑलराउंडर की भूमिका अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर निभा रहे हैं, तो वहीं गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार खेल रहे हैं। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच में इंदौर के होलकर स्टेडियम में उतरते ही भारतीय बल्लेबाजों ने खतरनाक नजर दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत को आश्चर्य में डाल दिया। रोहित और कोहली ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर अफगानिस्तान के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की है। अंत में खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे ने अपने बल्ले से T20 का पूरा इतिहास पलट कर दिया। तो आखिर कैसे रोहित कोहली के बाद शिवम दुबे का आया होलकर के मैदान पर तूफान, कैसे भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने रखा कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ खुद विराट कोहली मैदान पर उतर गए। इन दोनों की जोड़ी देखकर अफगानिस्तान टीम के होश पहले उड़ गए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए नवीन उल हक की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम का खाता खोला। भारतीय टीम को दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई और एक के बाद एक दोनों खिलाड़ियों ने चौके से खेल की शुरुआत की। भारतीय टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन तक पहुंचा दिया। विराट कोहली को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते देख स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए फजल अकबर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में शानदार फुल शॉट खेलकर छक्का लगा दिया।
भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से रोहित शर्मा आगे बढ़ाने लगे और इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रोहित की बल्लेबाजी देखकर कोहली भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वह भी अपने अंदाज में अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने पर तुले हुए थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर अफगानिस्तान टीम के हक्के बक्के निकल गए और भारतीय टीम का स्कोर रफ्तार से भी आगे बढ़ रहा था। अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान हैरान और परेशान गेंद मोहम्मद नबी के हाथों थमा दी, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। नबी की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर उनका स्वागत किया। अफगानिस्तान की फिरकी भारतीय बल्लेबाजों के आगे बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी। दोनों ओपनर मन बनाकर मैदान पर अफगानिस्तान की धुनाई करने आए थे और भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 65 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे और पावर प्ले के बाद उनका बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू हो गया। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने अजमतुल्ला उमरजई के ओवर में रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ताड़ना मचाकर हर किसी को हैरान कर दिया। रोहित ने लगातार उमरजई के ओवर में 3 छक्के जड़ दिए, साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी की और मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित का बल्ला मोहाली के मैदान पर भी धारना शुरू कर दिया। टीम के लिए 8वां ओवर फेंकना है मोहम्मद नबी की पहली गेंद पर एम्पायर के रूप से शानदार छक्का लगाकर अपना रोहित शर्मा ने अर्धशतक ठोक दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। तो इसके बाद विराट कोहली कहां पीछे रखने वाले थे, वह भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली भी अपने अर्धशतक के करीब आ गए। ये दोनों बल्लेबाज अपने प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर रहे थे और दोनों की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे तो विराट कोहली मोहम्मद नबी की गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए 2 रन बटोर कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और भारतीय टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित और कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार गेंदबाजों की धुनाई की जा रहे थे। भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे मोहम्मद नबी की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के पार चली गई, जिसे देखकर खुद मोहम्मद नबी हैरान रह गए। रोहित का बल्ला आज अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ था। वहीं विराट कोहली भी शानदार चौके छक्के लगाए जा रहे थे, वह भी रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए नवीन उलहक ने अपनी रफ्तार से कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। भारतीय टीम को 155 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया और रोहित शर्मा 89 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विराट कोहली मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए पाली T20 मैच के हीरो रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे आ गए। विराट कोहली और शिवम दुबे ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते विराट कोहली अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे। जब वे 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो टीम के लिए 17वां ओवर फेंकने आए मुजीबुर रहमान की पहली गेंद पर विराट कोहली ने अपने अंदाज में शानदार लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का लगाकर शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली ने अपने शतक से हर किसी को हैरान कर दिया। भारतीय खेमा रोहली के खड़े होकर तालियां बजाने लगा। वहीं मैदान पर उनका साथ दे रहे शिवम दुबे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वे लगातार सिर्फ चौके छक्के लगाए जा रहे थे। फजल अक फारूकी के ओवर में शिवम दुबे ने ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत हैरान रह गया। लगातार फारूकी की 5 गेंद पर 5 छक्का शिवम दुबे ने जड़ दिया और इसी के साथ शिवम भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। वह केवल 8 गेंद का सामना किया था, धमाकेदार अंदाज में पारी को संभाला। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकना है नवीन उल हक की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर केवल 10 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। शिवम दुबे और विराट कोहली ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवर में 282 रनों तक पहुंचा दिया, जो अफगानिस्तान के लिए लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। ये दोनों खिलाड़ी नॉट आउट रहे। दोस्तों देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद शिवम दुबे ने भी अपने बल्ले से ताड़ना मचाकर हर किसी को चौंका दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दिया, मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि 14 जनवरी को होलकर के मैदान पर भारतीय बल्लेबाज कुछ ऐसा ही प्रदर्शन दिखाएं। मगर अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक T20 का बल्लेबाज? ऐसे कमेंट करके नीचे हमें जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और एमएस धोनी तीनों को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गिल की गलती से रोहित शर्मा जब रन आउट हुए थे तो रोहित ने तो अपशब्द कही थे, साथ ही ड्रेसिंग रूम में जाकर भी गिल की फटकार लगा दी थी। आखिरकार रोहित शर्मा ने उनको क्या कहा था? क्या वाकई में खाली गलौज हुआ था? अब इस पर दोस्तों गिल ने खुलासा कर दिया है। अब शुभमन गिल ने अपने बयान में क्या कहा, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या रोहित ने जो गिल की गलती पर किया वो सही था या गलत, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच को जीतकर भारत ने एक बात तो साफ कर दी है, सीरीज 3-0 से जीतने का सपना आराम से पूरा हो जाएगा। भारत ने दोस्तों इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और रोहित कितने चतुर चालाक हैं गेंदबाजों को चुनने में नई गेंद से, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन आज 8 ओवर तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स देखने को मिले, जिसमें अक्षर पटेल के नाम 2 विकेट रहे। साथ ही दोस्तों मुकेश कुमार भी मोहम्मद नबी का विकेट लेकर जिन्होंने 27 गेंदों में 42 यानी कि सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे। खैर दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और हमने 20 ओवर में 5 विकेट लेकर ना 158 पर अफगानिस्तान की टीम को रोक दिया था। 159 के टारगेट को चेज करने के लिए एक बार फिर से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी।
लेकिन दोस्तों इस बार कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा विचलित कर देने वाला वाक्य था। मैदान में आकर रोहित शर्मा जीरो पर आउट हो जाएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था, और सब कुछ हुआ गिल की छोटी सी गलती के चलते। दोस्तों कॉल तो रोहित शर्मा की थी दौड़ने की, लेकिन गिल का ध्यान पिच और रोहित पर नहीं बल्कि केवल गेंद पर था। रोहित शर्मा दौड़कर नॉन स्ट्राइक ग्राउंड की तरफ पहुंच भी गए थे, लेकिन गिल भी वहीं खड़े थे और ठीक उस वक्त पर आउट कर दिए गए रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित को लाचार होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। गुस्सल रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा अपशब्द बीच मैदान में ही कह दिए थे। उसके बाद अंदाजा ये लगाया गया कि ड्रेसिंग रूम में भी शुभमन गिल को करारी फटकार पड़ी है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन ये वाक्य गर्म होकर देश में वायरल हो रहा है। अब दोस्तों इस पर शुभमन गिल ने खुलासा कर दिया है आखिरकार ड्रेसिंग रूम में उनके साथ हुआ क्या था। खैर दोस्तों इस पूरे वाक्य पर गिल क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने अपने बयान में कहा, एक टीम जब भी जीतती है तो उसमें कप्तान और खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत होती है, और मानना पड़ेगा कि आज शिवम दुबे और साथ ही साथ रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने जो परफॉर्मेंस दिया ना, और जितेश शर्मा ने भी, वह काबिल तारीफ था। उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद है कि हम सीरीज के सारे मैच इसी कदर से जीतेंगे। दोस्तों शुभमन गिल से जब ये पूछा गया कि रोहित ने आपको बीच मैदान में अपशब्द कहे थे, साथ ही जब आप ड्रेसिंग रूम में थे तब भी कुछ ना कुछ बातें चल ही रही थी, तो रोहित आप पर क्यों भड़के और उन्होंने क्या कहा। दोस्तों हंसकर गिल ने कहा, ये तो मेरे और उनके बीच की बात हुई, आप क्यों जानना चाह रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा कप्तान और बड़े भाई दोनों हैं मेरे लिए, अगर वो कुछ कहेंगे भी तो मेरे भले के लिए ही, इसको पतंगड़ बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मेरे कप्तान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों पूरी बात का एक ही मतलब है, देखिए रोहित ने गिल को हड़काया तो जरूर है, लेकिन क्या रोहित ने गिल की गलती पर उन्हें डांट कर फटकार लगाकर गाली देकर सही किया या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। तो अगर आप भी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत के खिलाफ पहला T20 मैच हार जाने के बाद फूट फूट कर रो पड़े अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान, और फिर रोहित शर्मा राशिद खान को लेकर जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर क्या बोले इब्राहिम जादरान, वो तो वीडियो में दिखाएंगे होश उड़ा देने वाला उनका बयान, बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और इब्राहिम जादरान में से कौन अच्छा कप्तान है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जा चुका है, और इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की। वही हम आपको बता दें कि अफगानिस्तानी टीम ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए और 159 रन का लक्ष्य टीम इंडिया को मिला। अब अफगानिस्तान के लिए तो यहाँ मोहम्मद नबी के बल्ले से 42 रन निकले, तो वहीं अजमतुल्ला ओमर जाई ने 29 रन बनाए, जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। और वहीं भारत के लिए 2-2 सफलता मुकेश कुमार और अक्षर पटेल के नाम हुई, और 1 विकेट शिवम दुबे को मिला। अब दोस्तों भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरी गेंद पर रन आउट हो गए थे क्योंकि शुभमन गिल ने यहां गलत गोल पर उनको फंसा दिया। अब रोहित के आउट जाने के बाद शुभमन गिल भी टिक नहीं पाए और 23 रन बनाकर ही चलते बने। फिर तिलक वर्मा ने 26 रन की पारी खेली, लेकिन यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से 60 रन निकले और जितेश शर्मा ने 31, तो वहीं रिंकू सिंह ने 16 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को मैच जिताया और 6 विकेट से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब रही। तो वहीं दोस्तों भारत की इस जीत के साथ ही 1-0 की बढ़त अब टीम इंडिया को मिल चुकी है, और सीरीज जीतना अब भारत को और भी आसान हो गया है क्योंकि अब एक मुकाबला ही और उनको अपने नाम करना है, और टीम इंडिया बड़ी आसानी से यह कर पाने में भी कामयाब होगी क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान इतना मजबूत दिख नहीं रहा है भारत को हराने के मकसद से अगर देखा जाए तो, क्योंकि दोस्तों उनकी टीम में राशिद खान भी मौजूद नहीं है जो कि गेंदबाजी को और मजबूत करते हैं। राशिद खान के बाहर हो जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम बेहद ही कमजोर है और अपनी टीम को मैच जिता ना पाने की वजह से इब्राहिम जादरान काफी टूटते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने रोते हुए भारत की जमकर तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया कि सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर इब्राहिम जादरान अफगानिस्तानी कप्तान कहते हैं कि हम जब भारत में आए थे तो हमें बस इसी बात को ध्यान में रखना था कि रोहित और विराट कोहली को कैसे रोकेंगे, लेकिन हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनके मध्यम क्रम के बल्लेबाज शिवम दुबे इतना भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी बस यही गलती रही कि हमने उनको हल्के में ले लिया और इसी का खामियाजा ये रहा कि हम मैच हार गए। हालांकि पहला T20 हार जाने के बाद अभी भी हमारे हौसले बुलंद हैं और हम जानते हैं कि दूसरे T20 में हम आसानी से वापसी कर पाएंगे। भारत के मैदानों पर हम काफी खेले हैं, लेकिन कभी भी भारत के खिलाफ हम T20 श्रृंखला जीतने में कामयाब नहीं हुए।
इस बार हम अपने इरादे साफ करके आए हैं कि इस बार हमें किसी भी हाल में T20 सीरीज अपने घर लेकर जानी है। लेकिन भारत ने हमें जिस तरह से पहले T20 में हराया है, हमें तो लगता है कि ये सपना इस बार भी हमारा अधूरा ही रह जाएगा और भारत हमारी जीतने में मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम हारे हैं तो बस राशिद खान की बदौलत। क्योंकि अगर राशिद खान भाई हमारी टीम में होते तो हमारी गेंदबाजी और भी मजबूत होती, हम शुभम दुबे को फंसा सकते थे जल्दी, जिससे कि ये मुकाबला और भी पेचीदा हो जाता। अगर राशिद खान टीम का हिस्सा नहीं है तभी भारत हमसे मैच जीत सकता है, और जब तक वो फिट नहीं होते तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले हम मैच जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन राशिद खान जब बाहर आएंगे तब रोहित शर्मा खुद कहेंगे कि राशिद खान की वजह से भारत हारा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि राशिद खान भाई हमारी टीम में जल्दी आएंगे और राशिद खान के आते से हम भारत को यहां 2-1 से हराकर इस सीरीज में बता देंगे कि हमें भी दम है आपकी सरजमी पर आकर मैच जीतने का। तो दोस्तों यहां पर इब्राहिम जादरान तो काफी भड़कते हुए नजर आए भारतीय टीम पर, क्योंकि दोस्तों उनकी टीम हार गई मुकाबला। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि इब्राहिम जादरान ने जो कहा है वो सही या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच में रोहित शर्मा को शुभमन गिल ने करवाया रन आउट, तो बीच मैदान पर गुस्से में आग बबूला हुए रोहित और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर हुआ तगड़ा ड्रामा, खुद का खुलासा सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो पूरा बयान रोहित शर्मा का बताएंगे तो बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 मैच 6 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त इस T20 श्रृंखला में बना ली है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि मुकाबला जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ तो यहाँ पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय चुना, और इस बीच अफगानिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बना डाले। 159 रन का लक्ष्य टीम इंडिया के आगे था और अफगानिस्तान की टीम इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाई वो भी बस मोहम्मद नवी की बदौलत, क्योंकि उन्होंने 27 गेंदों पर 42 रन जड़ दिए। तो वहीं रहमानुल्लाह गुरवाज ने 23 और इब्राहिम जादरान ने 25 रन की पारी खेली, जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं दोस्तों भारत के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट अक्षर पटेल और मुकेश कुमार के नाम रहे, तो वहीं 1 विकेट शिवम दुबे को भी मिला। अब भारतीय बल्लेबाज जब पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच आज साझेदारी कुछ कमाल कर नहीं पाई, क्योंकि रोहित शर्मा को तो दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने रन आउट करवा दिया और रोहित के आउट हो जाने के बाद शुभमन गिल का विकेट भी गिर गया, जो कि 23 रन बनाकर ही चलते बने। अब 2 बड़े झटके भारतीय टीम को मात्र 26 रन के कुल स्कोर पर ही लग गए। अब तिलक वर्मा भी यहाँ शिवम दुबे का साथ तो निभाते हुए चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको भी जब 26 रन पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने चलता किया तो यहाँ पर तीसरा झटका भी भारत को जल्दी लग गया। अब शिवम दुबे और जितेश शर्मा ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्ले बाजी की। इस बीच जितेश शर्मा ने 20 गेंदों पर 31 रन जड़ डाले, तो वहीं शिवम दुबे ने 60 रन और रिंकू सिंह ने 16 रन बनाए, जिसके चलते भारत की टीम 6 विकेट से यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो उनको दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने रन आउट करवा दिया, जिसके बाद काफी बवाल भी मचा और रोहित शर्मा काफी भड़कते हुए शुभमन गिल पर नजर भी आए, जैसा कि आप यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो, और ड्रेसिंग रूम में जाकर भी तगड़ा बवाल कटा। अब खुद रोहित शर्मा सामने आए और उन्होंने बड़ा खुलासा कर बताया। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने मैच जीत जाने के बाद अपनी खुशी तो जाहिर की और साथ में उन्होंने बताया कि आखिरकार जब शुभमन गिल ने उनको रन आउट करवा दिया तो ड्रेसिंग रूम में ड्रामा जो हुआ उसके ऊपर भी रोहित शर्मा ने खुलासा किया। जी हाँ, यहाँ पर रोहित शर्मा कहते हैं कि शुभमन गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जब वो रन नहीं भागा और मेरे को उसने रन आउट करवा दिया तब मुझे काफी बुरा लगा। मैं गुस्से में उसे काफी कुछ मैदान पर ही कह चुका था, मुझे पता था कि शुभमन गिल ने गलती की है, लेकिन हम अपने से छोटे खिलाड़ियों की गलतियों को ऐसे नकार नहीं सकते। मैंने शुभमन गिल को काफी फटकार भी लगाई। जब हम मैच समाप्त हो जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो मैंने शुभमन गिल को अपने पास बुलाया और उनको बस यही समझाया कि आज उन्होंने जो गलती की है वो आगे कभी होनी नहीं चाहिए, चाहे मैं ही सामने क्यों ना हूं। क्या पता कभी टीम को टीम ओवर में 10-15 रन चाहिए हो और शुभमन गिल ऐसे ही किसी बल्लेबाज को अगर आउट करवा दें तो हमारी टीम का तो हारना तय हो
हो जाएगा ऐसे समय पर, और शुभमन गिल हमेशा मैदान पर ये गलती करते हैं, लेकिन अब इस डांट के बाद वो जरूर कुछ सीखे होंगे। और आज अपनी टीम को मैच जिताकर मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि शिवम दुबे की हमने वापसी करवाई है और आते से ही उन्होंने 60 रन बनाए। हमारी टीम के लिए ये सोचने वाली बात है कि अब T20 वर्ल्ड कप के लिए शिवम दुबे को मौका दिया जाना चाहिए। तो वहीं रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आज मैंने बतौर खिलाड़ी अपनी टीम में पहली बार देखी है, और रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज तो मैंने आज से पहले ये समझ लो देखा ही नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि ये टीम अब हमें